आइए मिस्टर राजा, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा मिस्टर राजा। आपकी बातों से ऐसा लगता है कि किसी ने आपकी स्ट्रेंथ और आपकी काबिलियत पर आपको बहुत अच्छे से समझाया है। जी, मेरी वाइफ ने। आप बैठिए, मैं मैनेजमेंट से बात करके आपको वापस बुलाता हूँ, प्लीज। थैंक यू श्रीनाथ जी, बस नौकरी फाइनल हो जाए। पहले तुम ठीक से बैठो। ठीक से बैठना भी आता नहीं तुम्हें, काम कैसे करोगी? ना तो तुमने ब्यूटी पार्लर का कोई कोर्स किया है, ना ही तुम्हारी कोई क्वालिफिकेशन है। बस मुंह और बैग उठाया, आ गए इंटरव्यू देने। सॉरी सर, लेकिन मैं कोई भी काम जल्द से जल्द सीख लूंगी, आप बस मुझे एक चांस दीजिए ना। मंदिर में जूता चप्पल संभालने जैसा काम है क्या कि सीख जाओगी? जैसी औकात है वैसा काम ढूंढो। सर, आप ऐसे औकात पे क्यों आ रहे हैं? माना मैंने पार्लर का कोर्स नहीं किया है, लेकिन मेहनत और लगन से क्या नहीं सीखा जा सकता? मैं बस आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे एक मौका देने के लिए। गुड, कॉन्फिडेंस अच्छा है तुम्हारा, मतलब मेरे ही केबिन में बैठ के मुझे ही सिखाओगी? नहीं सर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं बस इतना कह रही हूँ कि आप मेरे काम के बारे में कहिए, मेरे बारे में नहीं या मेरी औकात के बारे में नहीं। क्यों, किसी ने रिश्वत लेके इनाम दिया है क्या काबिलियत का? काम कुछ नहीं, बातें बड़ी बड़ी। सॉरी सर, मैं, मेरी गलती है, मैं चलती हूँ, थैंक यू। बैठो चुपचाप, मेरी परमिशन के बिना हिलना भी मत, बैठो। ओ हेलो, लायक तो आप नहीं है मेरा इंटरव्यू लेने के। किया क्या है तुमने अपनी लाइफ में? सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से नौकरी नहीं मिल जाती, वैसे यहाँ पोछा मारने की नौकरी खाली है, वो करोगी? चलिए ठीक, चलता हूं मैं। जिग्नेश भाई को बोलना मैंने याद किया, अगली बार मुलाकात करते हैं। जी सर। चले, जय श्रीनाथ जी। अरे राजा बेटा, अरे मेरा जिगर का टुकड़ा, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू क्या यहाँ शोरूम में गाड़ी खरीदने के लिए आया? सही जगह पे आया, डिस्काउंट देना भाई। गुणवंत सेठ, आप मिस्टर राजा को जानते हैं? जानते हैं? अरे बेटा है मेरा, मतलब कहने को तो भतीजा है लेकिन बेटे से भी बढ़कर है। फोन को भी इसी टाइम पे आना था। एक सेकंड ना। हाँ देखिए मिस्टर राजा, आप इतनी बड़ी फैमिली से हैं और आप जॉब ढूंढ रहे हैं, कैसे कर पाएंगे ये नौकरी आप? बिल्कुल करूंगा ना सर, आप एक बार मौका दीजिए, मैं पूरी मेहनत करूंगा। देखिए मिस्टर राजा, ये कार सेल्स का काम इतना आसान नहीं है, इसमें गालियां भी सुनने को मिलती है, और ये अमीर घर के बेटे होते हैं ना, इनका आत्मसम्मान बहुत ऊंचा होता है, कैसे मैनेज कर पाएंगे आप? कोई सेल्फ रिस्पेक्ट और आत्मसम्मान तो होता नहीं तुम जैसे लोगों का, बस हाथ फैला के काम मांगने आ जाते हो। बस बहुत हुआ, अब तक तुम बोलते रहे और मैं सुनती रही, अब तुम सुनोगे और मैं बोलूंगी। कान खोल कर सुनना, यहाँ पे नौकरी करने के लिए आई थी मैं, किसी की गुलामी करने के लिए नहीं। और अगर अपने पीछे वाले दिमाग के कोने में बात घुस गई हो तो जय श्रीनाथ जी, भाड़ में गई तुम्हारी नौकरी। हाँ सर, मैं अमीर जरूर हूँ लेकिन मुझे मेहनत करना भी आता है। दुनिया के सारे दुख झेल लूंगी लेकिन तुम जैसों के यहाँ नौकरी नहीं करूंगी। जिंदगी में सब सुख देखे सर मैंने, लेकिन वादा करता हूँ कि खून पसीना एक कर दूंगा यहाँ पे। करीब जरूर हूँ लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत जानती हूँ। अब मेरे सस्ते जूते के आगे अपनी नाक भी रगड़ोगे ना, फिर भी तुम्हारी नौकरी नहीं करूंगी। आत्मसम्मान पूरा है सर, बस आप इतना समझ लीजिए कि मैं किसी भी काम को छोटा नहीं समझता हूँ।
मिस्टर राजा, आपका स्टेटस और आपका खानदान इतना बड़ा है, ये देखते हुए कोई आपको नौकरी नहीं देगा। मेरी राय है कि आप अपने फैमिली बिजनेस और दुकान को ही देखें तो ज्यादा अच्छा है। मैं नौकरी नहीं दे पाऊंगा। एक्सक्यूज मी। चलिए सर। ठीक है भाई। जी सर। भाई को बोलना याद किया। नमस्ते। झूठा प्यार वाला फर्ज निभाना आप कभी भी नहीं भूलते ना मोटा पप्पा, लेकिन मेरी बात भी दिल और दिमाग जगह पे रख के सुन लीजिए। हार नहीं मानूंगा मैं, नौकरी तो मैं ढूंढ के ही रहूंगा। नौकरी नहीं देनी थी तो मना कर देता, ऐसे बेइज्जती करने की क्या जरूरत थी? कितनी बदतमीजी से बात कर रहा था, मैंने भी कील ठोक दी दिमाग में, सुना दिया जम के, पता नहीं क्या समझ रहा था। काका, दो प्लेट पानी पूरी लगाना, मैडम के लिए मीठी और मेरे लिए तीखी। मतलब श्रीनाथ जी का अगर आज मूड खराब था तो दोनों का इंटरव्यू खराब कर दिया। अब बताओ राजा, तुम कहां जाओगे मोटा पापा की अमीरी से बच के? वो तो सबको जानते हैं सिद्धपुर में। हाँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि श्रीनाथ जी का मूड रोज खराब रहेगा। क्यों टेंशन ले रही हो, मिल जाएगी हमें नौकरी। राजा, लेकिन तुम ये बात तो समझो, वो बिना नौकरी वाले सेठ जी की उम्मीदें तो आसमान छू रही हैं। 34,000 रुपए जमा करने हैं हर महीने के, कहाँ से लाएंगे पैसे? हाँ तो फिर अगर टेंशन लेने से पैसे मिलते तो लोग बैठ जाते हैं सिर पकड़ के। मीठा बोलर दो, तीखा क्यों बनाया? माफ करना बहन, गलती से उनको मीठा आपको तीखा चला गया। लो, जिंदगी भी पानी पूरी की तरह हो गई है, चाहिए मीठा और आता तीखा। तो अब क्या करें? क्या करना है, चिपका लो और आराम से खाओ। जिसको जो करना है करने दो, हम अपना आराम से बिना टेंशन के पानी पूरी मतलब काम करें। मुझे भी तीखा देना। हाँ। फिर से ट्राई करेंगे। मिल जाएगी नौकरी। राजा, रानी, तुम लोग आ गए बेटा, चलो अच्छा हुआ। आ जाओ, चलो जल्दी से खाना खा लो, आ जाओ चलो। जी मम्मी जी को इंटरव्यू के बारे में नहीं बताते, फालतू में टेंशन लेंगी। राजा, अरे सोच क्या रहे हो भाई, चलो चलो जल्दी आ जाओ, खाना ठंडा हो जाएगा, आ जाओ चलो चलो चलो। अब हम कोई अल्बर्ट गिलबर्ट वैज्ञानिक थोड़ी ना है जो ऐसे ही नौकरी मिल जाएगी, और ना ही हमारे पास MBA, CBA, GBA की डिग्री सर्टिफिकेट है। नौकरी तो ऐसे ही नहीं मिलेगी ना मम्मी जी, रोज रोज इंटरव्यू देंगे तब जाके नौकरी मिलेगी, है ना राजा? हाँ मम्मी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। और कम से कम हमारे पास थोड़े पैसे तो हैं, हमने तो ऐसे दिन तक देखे हैं जब चूल्हा जलाने तक के पैसे नहीं हुआ करते थे घर में। पता चलता था कि मंदिर में फ्री के समोसे बट रहे हैं तो मैं और भैलू वहां पहुंच जाते थे, समोसे मिलते थे लेकिन भीड़ में समोसे नीचे गिर जाते थे जमीन पर, और भैलू वही जमीन से उठाकर खा लेता था। मैं भैलू को कितना समझाती थी कि ऐसे जमीन से उठाकर कोई खाता है क्या, लेकिन तब हालात ही ऐसे थे कि शायद मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई।
चलो खाना खा लेते हैं, फिर सोना भी है, कल भी इंटरव्यू है ना। हाँ कल इंटरव्यू। खाना गिर गया। माफ करना, जैसे तुम लोग भीख मांगना सीख रहे हो ना, वैसे ही मैं फुटबॉल सीख रही हूँ। जैसे ही तुम लोगों को हाथ में कटोरा लेके भीख मांगना आ जाएगा ना, वैसे ही मुझे फुटबॉल भी आ जाएगा। अरे मेरा फुटबॉल ले लेती हूँ, अभी और प्रैक्टिस करनी है ना मुझे। दाल लग गई है। अरे 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 अरे, तूने मुझे रोक लिया वरना इनको ऐसा जवाब देती ना मैं। बराबर, तूने क्यों रोका रानी वह को? हाँ, जब तक इन लोगों को सामने से जवाब नहीं मिलेगा ना, इन लोगों की अक्ल ठिकाने नहीं आएगी। उनकी हर हरकत का जवाब देना जरूरी नहीं है। जरूरी है राजा, वरना ऐसे ही रोज इनकी हिम्मत बढ़ती रहेगी। रानी, इतिहास गवाह है, महाभारत में भी दुर्योधन पांडवों को इसलिए नीचा दिखाना चाहता था क्योंकि उसे डर था कि उसका सब कुछ छिन जाएगा, लेकिन पांडवों को ऐसा डर नहीं था। राजा, तुम मेरी बात नहीं समझ। अगर वो हमारे बारे में बुरा सोचते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि हम भी उनके बारे में बुरा सोचें। पर राजा, मैं एक मिनट। हेलो, मैं आपको मजा चखा के रहूंगी। कौन खटखट कर रहा है? पिता के पापा, देखो ना बाहर कोई कुछ खटखटा रहा है। पिता के पापा, पिता के पापा कहाँ चले गए? अरे ये बाहर आवाज क्या आ रही है? कौन आवाज कर रहा है? कहाँ से आवाज आ रही है? कोई दिख तो नहीं रहा है। हेलो हेलो, हाँ भेज दिया ना आपने किराए वाले खूनी को। लेकिन आज रात तक मोटी मम्मी का काम तमाम हो जाना चाहिए। ये रानी तो बड़ी वाली खिलाड़ी निकली। जब तक वो नहीं आ जाता मैं सोने का नाटक करूंगी, ठीक है? मेरे खाने में फुटबॉल फेंकी थी ना, अब देखना क्या होता है। वाले खूनी के सामने देखती हूँ मोटी मम्मी कैसे आपके अंदर का मूड नाचता है। अब देखती हूँ आप कौन सा नया कारनामा करती है। का खूनी बुलाया हमें मारने के लिए। ये तांकुर मेहुल भी नहीं है, मैं किसे बुलाऊं? और ये तांके पापा भी कहाँ चले गए? जी,
देख लेते हैं कौन है ये। अरे ये तो हितांग के पापा के जैसा है। अरे हितांग के पापा ही है। आप यहाँ कैसे? सॉरी भगवान, भगवान भूल गए। सॉरी, मुझे मुझे माफ। अरे छोड़। अरे चिल्ला चिल्ला के मेरे जेब के जले में बन गए। तुम्हारे कान के पर्दे पैदल ही अहमदाबाद रवाना हो गए क्या? नहीं नहीं, मुझे मुझे लगा कि। अरे पता लगा तुझे? लगा तो मुझे। वो ही ना, रानी किसी से फोन पे बात कर रही थी, किराए का खूनी मंगाया था। मुझे लगा कि आप किराए के खूनी हो, इसलिए मैंने आपको इतना पीटा। सॉरी। क्या क्या? एक मिनट, क्या किराए का खूनी क्या बोल रही है ये? मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं किसी से फोन पे बात नहीं कर रही थी। अरे मैं तो ऊपर सो रही थी। तो ये सब रानी का किया था रात। मार मार के आगा बेचार सुझा दिया, अभी शांति नहीं मिली क्या? ये रानी रानी झूठ बोल रही है। मुझे मारने के लिए तूने गुंडा बुलाया था ना? अबे शांति रख तू, ये तो यहीं पे मगज मारे हो जाएगी। शांति रख, मुझे मुझे माफ कर दो। लेकिन आप इस बोरी में आए कैसे? अरे मैं तो पानी पीने जा रहा था तो अचानक से स्टोर रूम में आवाज सुनी। तो वही चेक करने के लिए जा रहा था कि अचानक से मेरे ऊपर बोरे गिरे। अरे 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 अरे, और मैं जब तक बाहर निकलता तुमने तो मार मार के हलवा बनाना शुरू कर दिया। आपके ऊपर बोरी कैसे गिरी? अरे मेरे को क्या मालूम ऊपर कैसे गिरी, पड़ी होगी वहाँ पे, ऊपर गिर गई होगी। मोटा पापा आप शांत हो जाइए, आपको ज्यादा चोट लगी है तो डॉक्टर को बुला देता हूँ। सुनिए, सो पापा मुझे माफ कर दीजिए। अरे अरे पीछे बताओ मेरी माँ, कोई पीछे नहीं आएगा मेरे। शिना जी महाराज, मैंने क्या कर दिया? मेरे देवता जी से पति के ऊपर हाथ उठाया। भगवान मुझे माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई। फुटबॉल खेलने का बड़ा शौक है ना आपको? आप एक पन्ना लिखिए, मैं एक पूरी किताब ले दूंगी। अब फुटबॉल तो फुस हो गई है, तो हॉकी सीखना शुरू कर दीजिए मोटी मम्मी। एक और बात, अच्छे लोगों के लिए तो मैं बहुत अच्छी और बुरे लोगों के लिए उतनी ही बुरी। आपके ये काले कारनामे राजा सह लेगा, मैं नहीं। इसलिए अगली बार कुछ भी करने से पहले ना अपने दिमाग का ताला खोल लीजिएगा मोटी मम्मी। चलिए रानी, मैंने मना किया था ना, अगर मोटा पापा को कुछ हो जाता तो?
ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? नहीं मतलब उन्होंने जो किया वो सही था। तुमसे तुम्हारी दुकान छीन ली, उनकी वजह से मेरी याददाश्त चली गई, मोटा पापा की वजह से तुम्हें नौकरी नहीं मिली, और आज तो मोटी मम्मी ने हद पार कर दी, खाने में फुटबॉल फेंक दी, ये क्या बात हुई राजा? रानी मैं सारी बात समझ रहा हूँ। नहीं तुम नहीं समझ रहे हो राजा, कभी कभी बुराई का सामना बुराई से ही करना पड़ता है, नहीं तो बुराई अच्छाई के सर पर नाचती फिरती है। ठीक है, अगर राजा महान है तो उसकी कहानी तो रानी को लिखनी पड़ेगी ना। रानी अगर हम ऐसी उनकी सारी बातों का जवाब देते रहेंगे तो फिर उनमें और हमें फर्क क्या रह जाएगा? अगर हमारी अच्छाई को उन पर असर नहीं पड़ सकता तो उनकी बुराई का भी हम पर असर नहीं पड़ना चाहिए ना। हाँ मैं मानता हूँ कि रिश्ता सिर्फ नाम का रह गया, लेकिन मैं फिर भी निभाऊंगा। हाँ अगर तुम्हें या मम्मी को कुछ हो जाता है तो फिर मैं सारे रिश्ते भूल जाऊंगा उनके साथ, लेकिन तब तक हमें बुरे के साथ बुरा नहीं बनना। राजा मैं तुम्हारी बात समझती हूँ, लेकिन इस बात पर विश्वास नहीं करती। कभी कभी मुझे भगवान कृष्ण की कहानी याद आती है, जब उन्होंने उनका बुरा चाहने वाले राक्षसनी का विनाश करके उसे सबक सिखाया था। राजा अब से वो हमारे साथ कुछ भी करने से पहले ना 10 बार सोचेंगे। कभी कभी हक मिलता नहीं है, उसे छीनना पड़ता है। रानी इज्जत और हक छीनने से नहीं मिलते, कमाना पड़ता है। और अगर आंख के बदले आंख वाली सोच रखेंगे फिर तो एक दिन पूरी दुनिया ही अंधी हो जाएगी। तो एक बेगुनाह को बार बार सजा मिलती रहे और वो चुप रहे, ये तो गलत है ना। हम दोनों जानते हैं कि हम दोनों की सोच काफी अलग है, लेकिन मंजिल तो एक है ना। रानी मुझे लगता है तुम ना कुछ समझना ही नहीं चाहती हो। राजा मेरी समझ में सिर्फ इतना आता है कि जब तक मैं सामने वाले को उसकी बात का सबक नहीं सिखा देती तब तक मुझे नींद नहीं आती। ये क्या है? नहीं 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 निकालो मत प्लीज। लेकिन ये क्या नया चालू किया तुमने? अरे तुम कुछ नहीं है, कुछ सरप्राइज है। क्या सरप्राइज? अभी तो हमारा झगड़ा हुआ था। हाँ तो कोई नहीं, झगड़ा करके सोना अच्छा नहीं होता है, और वैसे भी मैंने तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज रखा है तो उठो। हाँ आ जाओ। हाँ ओके। क्या है रानी? अरे कुछ स्पेशल है, बस 2 मिनट। हाँ टन टन टन। ये सब कब और ये कब बनाया तुमने? अभी बनाया। चलो 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 ये लो केक काटो। Happy birthday to you, happy birthday dear Raja, happy birthday to you. मतलब बिस्किट और जैम का केक, ये सिर्फ तुम ही कर सकती हो रानी, जुगाड़। लेकिन फिर भी मेरी जिंदगी का बेस्ट केक है। अब राजा तुम जब ये मिस्टर दिल खुश करने वाली बातें करते हो ना तो तुम हीरो लगते हो। अच्छा तो मैं दिखाता हूँ फिर कि मैं कितना हीरो टाइप का हूँ। नहीं 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 नहीं, अरे पर दीदी नहीं मुझे, अरे Thank you.
क्या हुआ? मैं तो बस टेस्ट कर रहा था। बहुत अच्छा है। केक ही खाओ तुम बस। आराम से कितना। हाँ हाँ, मुझे माफ कर देना, ये उस रानी का कारनामा है। मैंने उसका खाना बिगाड़ा ना, उससे डबल बदला लिया मुझसे। आराम से। अरे कीर्तिदा, तेरी आंखों के पुतले क्या पोटले में बंद थी? अरे चला चला के जबान डेढ़ फुट की हो गई, मैं तेरे अंदर तो काली माता घुस गई थी। मुझे माफ कर। आराम से, आराम से। मुझे माफ कर दो मेरे देवता। वो रानी को, और रानी को मैं बराबर करूंगी, उसको बराबर पाठ सिखाऊंगी। राजुड़ा का जन्मदिन है ना कल, देखना मेरे देवता को उसने परेशान किया है ना, मैं उसके देवता की बराबर से आरती उतारूंगी। कल राजा का जन्मदिन है? हाँ। अभी अंदर वाले कीर्तिदा को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ अफला तुम तो करना ही पड़ेगा कीर्तिदा। आराम से। सॉरी 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 सॉरी। राजा जन्मदिन मुबारक एडवांस में। अच्छा था राजा। राजा बेटा, आज तेरा जन्मदिन है ना। जी तेरे, भगवान तुझे दुनिया भर की खुशियां दे, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। ये ले। आपके साथ साथ पापा का भी आशीर्वाद ले लेता हूं। आज तेरे पापा की भी बरसी है, उनकी याद में ना मैंने पूजा रखवाई है, और तेरे लिए भी तो आज का दिन बहुत खास है, तेरी जिंदगी की नई शुरुआत होने जा रही है। आशीर्वाद देना राजा को। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, Happy birthday dear Raja beta, happy birthday to you. Rajuda, आज तू हमारे बिना ही जन्मदिन मना रहा है। माना इस बार तू हमें अपनी इस खुशी में शामिल नहीं करना चाहता है राजा बेटा, लेकिन अब तुम्हारा मोटा पापा और मोटा मम्मी होने के नाते हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। खुश रही बेटा। बेटा ये 11 रुपए का शगुन और ये नारियल शगुन के तौर पर स्वीकार करो बेटा। ले लो ले लो। बेटा तुम्हारे जन्मदिन पर हम तुम्हें एक गिफ्ट जरूर देना चाहेंगे, ना मत करना।